ये मैं हूँ, ये मेरी कजिन सिस्टर है, इधर आ साले नहीं ये मेरा सगा भाई है। हम ब्लॉग बना रहे, चलो हल्दी वाला ब्लॉग। आज है दीदी की हल्दी और ये है हल्दी का बैकग्राउंड। लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है ना। अभी मैं आप लोगों को एक एक करके सबसे मिलाती हूँ, ठीक है? चलो मामी, मासी, हाय, मम्मी, हाय तो बोल दे। सबर शुकल नाम की भी चीज होती है। हाय वो हल्दी लोकेशन, क्या मस्त लग रहा है। आज कौन सी रस्म हुई थी, कुछ बताओ ना वीडियो में। आज ना हम लोग के घर हल्दी का कार्यक्रम है, कुवारी पूजा है, बांस पूजा है, दौतेला है, चिकट है और माटी का पूजा है। ये सब कार्यक्रम आज ही होना है। बढ़िया बढ़िया। मासी को इतना सारा काम है कि उनको तैयार होने का भी टाइम नहीं मिला, तो यहाँ पर भी तैयारी ही चल रही है। घरों घर बड़ा महूर लगा सबकी। चलो तेल माटी चुरमाटी, पहली चुरमाटी तेल माटी सबके बला दे रहे। हाँ, और सब आज होई ना, चिकन भी आज होई, मंत्री पूजा पाठ जात ले होई आज। सुहाग भर का दिन लगा तो पूरा में बुला दे, पूरा बुलावा लेके घर दे मामी, 10 को मनी देंगे नहीं तो आज ले बुलाओ जल्दी। टिप टॉप पे ले आए, अभी तेल माटी चुरमाटी बला। ये है हमारी मेघा दीदी मातृका पूजन की तैयारी करते हुए, तो आप लोग देख सकते हो कि तैयारियां कैसी चल रही है ना। देखो बहुत सारा चीटी है उसमें, ठीक है। और बोले हैं और लाने के लिए, उतना पीछे भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं बताऊँ कहाँ पे है, ये जहाँ पे नहाता वहाँ पे ऐसे जगह पेड़ में, दो तीन दुकान का पेड़ वहाँ पे, वही वही पे गेट गेट के पास देखो, वहाँ पे भी हाथ पहुँच जाएगा। हाँ हाँ, और डाल नाश्ता करते रहे, और डाल। यहाँ पर मेघा दीदी पूज रही है बिहाई चौक मंडप पर, आई थिंक इसको यही बोलते हैं। अभी सभी लोग मिलकर तिल माटी एवं चुलमाटी की तैयारियाँ कर रहे हैं और उसके बाद आप लोग आगे की रस्म देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पर चल रही है ढोल बजाने की रस्म, इसमें ना मासी ढोल बजा पा रही है ना उसे छोड़ पा रही है, बिकॉज फोटोग्राफर भैया यहाँ पे फोटो खींचने में व्यस्त है। अरे भाई हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमारे घर की लेडीज़ का फोटो सेशन चल रहा था जो मैंने किया है। डेकोरेशन की भी फोटोग्राफ बनती है विद चाची जी। ये है काजल हमारी चाची जी की बेटी डेकोरेशन करते हुए। गांव में माना जाता है कि कोई भी शादी पूजा पाठ या कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो तो उससे पहले अपने पैरों पे आलता लगाना शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी के आलता लग रहा है, उसके बाद बारी बारी से सबके पैरों पर आलता लगाया जाएगा। ये रही मासी, अब इनके आलता लग रहा है, तो ये बहुत अच्छा होता है। रिचुअल हमेशा अच्छे के लिए बनाया जाता है। आप सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट आप लोगों के फेस पे लाइट नहीं आ रही, तो आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, इससे आप लोगों की ड्रेस की भी फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी। आप दोनों देवरानी जेठानी तो छा गए भाई, बहुत अच्छी फ़ोटो आ रही है आप दोनों की। यार ये फ़ोटोज़ बहुत प्यारी चीज़ होती है यार, जब भी देखो हमेशा अपनी पुराने दिनों की याद दिलाती है, इसलिए मैं जितनी यादें हो सके संजो के रख लेती हूँ, क्लिक करके रख लेती हूँ और बाद में उन्हें देख कर खुशी होती है। तो आगे की ओर प्रस्थान करें। ब्लॉग में काम आ ही, फोटो नहीं खींचा था, पोज ही मत। यहाँ पर हमारे घर वालों का चल रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट, जो कि सब साथ में कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। तत्काल आओ, यहाँ पे पोहा खा रहे हैं। अभी हाय बोल दे ब्लॉग में। हाय। कैसा लगा नाश्ता? अच्छा लगा। तेरे को तो दुनिया में हर चीज अच्छी लगती है क्या? ये रही हमारी स्वीट मामी स्वीट खाते हुए जलेबी। भाई मेरा वीडियो बनाने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं बना रही हूँ अपना वीडियो, जो समझ में आ रहा है। घर में शादी हो और नाच गाना ना हो, ऐसा हो सकता है भला? तो लो भाई। हमने तो डांस किया ही, साथ साथ हमने मासी से भी डांस करवाया, क्योंकि उनकी बेटी की शादी और इतने अच्छे ओकेजन पे वो डांस ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
मौसी, बहुत मजा आएगा, चलो। यहाँ पे की जा रही है दौतेला की रस्म, जो कि मेघा दी और मयंक जीजा जी करने जा रहे हैं। चलो कैमरा देखे, चारे चारे देखने के लिए फोटो भी लेने दीदी। सभी लोग दौतेला से वापस आ गए हैं और थक हार कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, फिर दूसरी रस्म भी लेके चल। मीट माय बेस्ट फ्रेंड चांदनी, जो शादी में मिली मुझे। मेरा चेहरा कितना डल हो गया है। A few moments later. ये मैं हूँ, ये मेरी कजन सिस्टर है, नहीं ये मेरा सगा भाई है। हम ब्लॉग बना रहे, चलो हल्दी वाला ब्लॉग, लेट्स गो गाइस। ये सब हम हल्दी में पार्टी रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं छीनी छीनी व्लॉग्स। व्लॉग तो तुसी कुछ भी देख रहे हो, बात तो इग्नोर करने की लोड है। वो अपन अपन एक अक्षर गाना, चुप करो बदतमीज। ये रही हमारी अदिति नानको के साथ खेलते हुए, कितना मस्ती कर रहा है, देख रहे हो कितना क्यूट लग रहा है ना। इसको भी हल्दी लगी है आज, इसीलिए इतना प्यारा प्यारा लग रहा है नानको। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज दी की हल्दी है, जो कि हो चुकी है कंप्लीट। मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर जितना भी रिकॉर्ड कर पाई यहाँ पे मैंने ऐड किया। सो कीप एंजॉय। 2000 years later. ओ मामी का मेहंदी लुक भाई, दिखाओ कैसे दिख रहा। फाइनली दुर्ग से मेहंदी आर्टिस्ट आ चुके हैं, तो सबसे पहले मेहंदी लग रही है हमारी नेहा दी को। नेहा दी बड़ी है और रिचा दी छोटी है, तो पहले इनकी मेहंदी लग रही है, उसके बाद उनकी लगेगी। बहुत जल्दी लग गया, एकदम फटाफट लगा रहे हैं भैया। अच्छा है, मैं तो पागल हो जाती 3 घंटा बैठ के। मैं तो ये सोच रही हूँ मैं मेकअप कैसे करवाऊंगी। हो जाएगा मेकअप, उसमें लग जाएगा, लेकिन 1 घंटा। मैं मेकअप वाली से बात करी ना, मैं सबसे पहले यही बोली कितने घंटे लगेंगे। तो वो क्या बोली, मैं समझ गई मैडम आप क्या बोलना चाहती हैं, मैं जल्दी कर दूंगी 2 घंटे में। ये 2 घंटे जल्दी होता है दी, चाहे जितना भी टाइम लगे मेकअप अच्छा होना चाहिए, और मेहंदी भी। इस पे नाम भी लिखा हुआ होगा हाइड करके? नहीं, क्या फायदा, एक्सप्रेशन मिस कर दिया। मैं शादी कर रही हूँ ना, बहुत है वो भी अरेंज मैरिज, तो और बहुत है। ये देखिए हमारे रिचा दी की मेहंदी लग गई है, और कलर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जीजा जी कितना प्यार करते हैं इनसे। खैर वो सब छोड़िए, आप दी को देखिए कि कैसा लग रहा है लुक। एक बात तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने ज़िंदगी में पहली ऐसी दुल्हन देखी होगी जो अपनी मेहंदी वाले दिन सबको मेहंदी लगा रही है, बजाय इसके कि रेस्ट करे। दूसरे दिन उसकी शादी है, बहुत लेट भी हो गया, सो रेस्ट करो दी। कान्हा की मम्मी मेहंदी लगा रही है, तो कान्हा अपनी दादी के गोद में आराम कर रहा है। हाँ जी, यहाँ पर हमारी तियांशी की बात चल रही है। लग रहा है बहुत शौक, आज सुबह से ना 2 ड्रेस खराब कर चुकी है वो मेहंदी के चक्कर में। ए तू अपने चैनल में हम लोग का बात को डालने वाली है। हाँ।
दिस इज आर मेघा दी, मासी को मेहंदी लगाते हुए कितना प्यारा लगा रही है ना, है ना। ये ब्लॉग बनाती है पता है, ये इसका यूट्यूब चैनल है और ये सब का बना बना के बना रही है। बहन बात मत सुनाई दे। लो जी फाइनली देख लो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में बताना ओके। और ये लगाइए हमारी रिचा दी ने, और उसके बाद यहाँ घर का माहौल देखिए, सभी के हाथों में मेहंदी लगी है तो कोई अपने बच्चे को कैसे कैरी कर सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपन शादी वाले घर में जो वाइब्स आती है ना, नेक्स्ट लेवल आती है। बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आज हल्दी का फंक्शन निपट चुका है, ये मेरी मेहंदी है। ब्लॉग तो मैं शूट कर नहीं पाई थी, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये मेहंदी मुझे खुद ब्राइड ने लगाई है तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उसके लिए। दूसरे हाथ का दिखाऊं? ओप्स, ये देखो दूसरे हाथ का। ये किसका मोबाइल है? ये मेरा फेस वॉश है यार। बहुत आप शादी वाले घर में आए और जमीन पर गड्ढे डाल के ना सोए तो क्या खाक शादी वाले घर में आए। तो ये देखिए हमारी राधिका भाभी हमारे सोने की तैयारियां करते हुए, और मासी भी लगी हैं। खैर गद्दे तो बिछ रहे हैं बट मुझे अपने सोने के लिए अपना बेड मिल गया है, सो नो वरी फॉर मी। एंड ये देखो ये रही मेरी मम्मी जी सोने की तैयारी करते हुए नानी जी के साथ। यहाँ हॉल पे ये लोग बहुत इंजॉय करने वाले, तो मेरा मन किया तो मैं भी यहीं सो जाऊँ। हाय बोल दे ब्रो। हाय तेरी भाई संभाल के व्लॉग चल रहा है, देख रहे हो इन्हें। नानी को इतनी ठंड लगी है कि अपने आप को पूरा कवर करके बैठी है। व्लॉग को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।